How are you, students? Hope you all are fine and safe at home and taking your video lectures regularly. In our last lecture, we have studied about coordination and endocrine system. समझ में आ गया सबको क्या होती है coordination? तो जल्दी से बताइए मुझे इसकी definition. Good. The working together of all the organs and systems of the body is called coordination. Now tell me, how is it brought about in our bodies? Good. Coordination in our body is brought about by two systems, nervous system, endocrine system. Endocrine system के बारे में हमने अपनी last class में पढ़ा था. तो जल्दी से बताइए मुझे उन glands के नाम जो आपके पास endocrine system में book में मौजूद थे. Good. Pituitary gland, thyroid gland, pancreas and adrenal gland. Excellent. Define hormones. Good. The chemical substances which are produced by endocrine glands are called hormones. अब coordination के लिए जो हमारे पास second system था, आज के lecture में हम lecture number 4 में उसको study करेंगे. कौन सा system है? Nervous system. ठीक है. Today we are going to start our next system, that is nervous system. और ये किसमें participate कर रहा होता है? Coordination में. ठीक है. वैसे तो हमारे body का हर system ही बहुत important है और ये नर्वस सिस्टम भी आप यूनिट नंबर 2 में फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं. लेकिन नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि ये हमारी बॉडी में होने वाले तमाम सिस्टम्स को, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, इन सब सिस्टम्स को कंट्रोल करना होता है. किसने कब क्या काम और कैसे करना है. ठीक है. इसके साथ साथ सिस्टम्स के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है ताकि वो अपना काम राइट स्पीड पर, राइट टाइम पर कर सकें और कोई भी सिस्टम का प्रोसेस जो है वो मुतासर ना हो. इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है. ठीक है. तो यहाँ देख लेते हैं, व्हाट इज नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स. और हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये स्पेशलाइज किस्म के, यानी मखसूस किस्म के सेल से मिलकर बनता है जिन्हें कहा जाता है न्यूरॉन्स या नर्व सेल. इसका स्ट्रक्चर भी हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था. एक दफा फिर इसको ओवरव्यू कर लेते हैं. ये आपको नजर आ रहा है नर्व सेल. ठीक है. नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं. सेम आपके पास मीनिंग है इसकी. ठीक है. सबसे पहले आपको पूरी बॉडी में सबसे जो ऊपर पार्ट नजर आ रहा है, एक्सटेंडेड पोर्शन, जो फैला हुआ पोर्शन है, इसका नाम है सेल बॉडी. क्या नाम है इसका? सेल बॉडी. जैसे आप लोगों ने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में कि 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. तो ये हमारे पास एनिमल सेल है. इस सेल बॉडी के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन, तमाम चीज़ें मौजूद हैं. तो न्यूरॉन में, नर्व सेल में सबसे पहली चीज़ जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका नाम क्या है? सेल बॉडी. सेल बॉडी में आप देखें कि इसके पास छोटे छोटे से एक्सटेंशन हैं, पतली हैं और शॉर्टर हैं, थिन एंड शॉर्टर एक्सटेंशन निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं. उन ब्रांचेस को कहते हैं डेंड्राइट्स. क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स. ठीक है. इन डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है कि दूसरे नर्व सेल से मैसेजेस रिसीव करती हैं, यानी नर्व सेल में जो मैसेज आएंगे वो किसके जरिए आ रहे होते हैं? डेंड्राइट्स के जरिए. डन. नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा कि सेल बॉडी में नीचे की तरफ एक और लॉन्ग एक्सटेंशन है, दिस वन. इस लॉन्ग एक्सटेंशन को कहते हैं एक्सॉन. क्या कहते हैं? एक्सॉन. ठीक है. अब ये जब आपके पास रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स मैसेजेस दूसरे नर्व सेल से, तो ये पास आउट करते हैं एक्सॉन को. और एक्सॉन क्या करता है कि वो मैसेज पास आउट करता है दूसरे नर्व सेल्स को. अब दूसरे नर्व सेल के साथ जो हमारा ये वाला नर्व सेल मौजूद होगा किस फॉर्म में कनेक्ट करेगा? नर्व एंडिंग्स की फॉर्म. ठीक है. एक्सॉन के बाद ये नर्व एंडिंग्स हैं. ये नर्व एंडिंग्स ज्वाइन होंगी हमारे पास दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स. डन. मैसेज आया हमारे पास डेंड्राइट्स के थ्रू नर्व सेल में, एक्सॉन में मूव करता हुआ इन नर्व एंडिंग्स के जरिए दूसरे नर्व सेल की डेंड्राइट्स में ट्रांसफर होता है. और इस तरह से मैसेज पहुंचता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स, ग्लैंड्स के पास. ठीक है. समझ में आ गया इतना? एनी कन्फ्यूजन? मेन पार्ट्स कौन से नर्व सेल के? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स.
अब देख लेते हैं हमारे पास नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं जिसके जरिए नर्वस सिस्टम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे पास जो नर्वस सिस्टम में ऑर्गन्स मौजूद हैं वो मेन ऑर्गन्स हैं थ्री। नंबर वन इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। कौन कौन से हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। अब देख लेते हैं डायग्राम में कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हमारी बॉडी में किस किस लोकेशन पर मौजूद हैं। डायग्राम में आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है पूरा बॉडी का, इससे कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपके पास ऊपर ब्रेन मौजूद है व्हाइट पोर्शन में नजर आ रहा है व्हाइट कलर में, स्कल में होता है, हमारी खोपड़ी में होता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है इसलिए अल्लाह ने इसको क्या किया हुआ है, स्कल के जरिए प्रोटेक्ट किया हुआ है। स्कल क्या होता है? हमारी हड्डियों का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यही ब्रेन जब हमारे पास नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है एक कॉर्ड की फॉर्म में, एक रस्सी की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड भी किससे कवर्ड होती है? बैकबोन से। ठीक है, अब आपने देखा होगा स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे मौजूद है बैकबोन में, इसके पास लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बहुत सारी ब्रांचेस जा रही हैं। इन ब्रांचेस को ये जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही हैं, जो आपके लंग्स में जा रही हैं, लीवर में जा रही हैं, इंटेस्टाइन में जा रही हैं, लेग्स में जा रही हैं, इन ब्रांचेस को कहते हैं हम नर्व्स। क्या कहते हैं? नर्व्स। ठीक है, यह हमारे पास ब्रेन मौजूद है सबसे ऊपर, उसकी एक्सटेंशन होगी तो हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट राइट बहुत सारी ब्रांचेस गिव्स ऑफ हो रही हैं और इन ब्रांचेस को हम क्या कह देते हैं? नर्व्स। सबसे पहले हमारे पास ब्रेन। ब्रेन क्या है? हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है, यानी हमारी बॉडी में जो जो काम हो रहा है, जो जो हरकत हो रही है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, और ब्रेन ये बनता है मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स से। नर्व सेल का आप लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा था, इसी तरह के लाखों सेल्स हो तो हमारा क्या बन रहा होता है? ब्रेन। इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड मसल्स एंड सेंड बैक इन रिटर्न। ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि मैसेजेस रिसीव करता है किससे? सेंस ऑर्गन्स और हमारे मसल्स से, यानी हम जो मूवमेंट कर रहे हैं मसल्स के थ्रू उनमें नर्व्स मौजूद होंगी, वो नर्व्स मैसेजेस लेकर जाएंगे ब्रेन के पास। और सेंस ऑर्गन्स का तो आपको पता ही है, प्रैक में आपने पढ़ा था कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास? 5। और ये ऑर्गन्स जो होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को नोट करके मैसेजेस नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास भेजते हैं। पता है कौन कौन से हैं सेंस ऑर्गन्स? गुड, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स और मसल्स क्या करते हैं? मैसेजेस भेजते हैं ब्रेन के पास, ब्रेन इनको प्रोसेस करता है कि क्या मसला हो रहा है और फिर बॉडी को क्या रिप्लाई देना है, तो वो रिप्लाई देने वाले मैसेज वापस भेजता है इन सेंस ऑर्गन्स एंड मसल के पास, ताकि ये रेस्पॉन्ड कर सके एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस। ठीक है, ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड मसल्स एंड सेंड बैक इन रिटर्न। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट इज ब्रेन के बाद जो उसकी बेस से एक एक्सटेंशन निकल रही होती है उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? हमारे पास एक थिक कॉर्ड होती है, यानी मोटी रस्सी की फॉर्म की होती है। ठीक है, ये भी किससे मिलके बनती है? मेड अप ऑफ बंडल ऑफ नर्व सेल्स, यानी नर्व सेल्स के बंडल्स बने हुए होते हैं, ये उनसे मिलकर बनती है। ठीक है, विच रन्स डाउन इन टू द बैकबोन, और हमारी बैकबोन में, अभी अपना हाथ लगाइए पीछे अपने बैक के ऊपर, तो आपको सेंटर में एक लंबी सी बोन नजर आएगी। ये क्या एक ही लंबी बोन है या छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी है? गुड, छोटी छोटी बोन से मिलकर एक लंबी सी बोन बनी है। इसलिए बनी है छोटी बोन से मिलकर ताकि इसमें क्या रहे? फ्लेक्सिबिलिटी रहे और आप इजीली मूव कर सकें। आपको झुकना है, बैठना है, खड़े होना है, तो आप आराम से ये सब काम कर सकें। अगर सिर्फ एक लंबी बोन से मिलकर बनती तो ये रिजिड होती, सख्त होती, जैसे ही आप झुकते तो क्या होता? टूट जाती। ठीक है, तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बैकबोन के अंदर मौजूद होगी, एक्सटेंशन है हमारे ब्रेन की और मिलके बनती है नर्व सेल्स से। अब इसमें जब ये बैकबोन में मौजूद होती है तो ये क्या करती है? वहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस को अराइज करती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? नर्व्स। और नर्व्स हमारे
आर्म्स में, लेग्स में, लिवर में, स्टमक में, गर्ज हमारे बॉडी के हर बॉडी पार्ट तक जा रही होती है, ठीक है। थर्ड पार्ट इज नर्व्स। नर्व्स क्या होती है? नर्व्स आर बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स, यानी नर्व सेल। नर्व सेल है या न्यूरॉन है, एक ही बात है। अगर इनके बंडल्स हो तो वो क्या बना देती हैं? नर्व्स। अब ये नर्व्स जब बंडल के फॉर्म में आती है तो ये इनको कवर किया जाता है एक टफ कवरिंग से, ताकि ये कॉर्ड के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। नर्व्स हमारे पास होती है टू टाइप्स की। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सेंसरी नर्व्स एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड मोटर नर्व्स। कितने टाइप्स की नर्व्स हैं? टू टाइप्स की, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है, मेनली वही स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वाले को हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, सेकेंड वाले को कहते हैं मोटर नर्व्स। अब सेंसरी नर्व नाम से ही जाहिर है कि ये क्या काम करती है। इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती है? जो हमारे सेंस ऑर्गन इन्वायरमेंट में चेंजेस महसूस करते हैं उनके मैसेजेस लेकर जाती है किसके पास? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। सेंस ऑर्गन्स है और सेंसरी नर्व्स है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये सेंस ऑर्गन्स के मैसेजेस लेकर जा रही है, ठीक है। और दूसरा क्या काम करती है? इसके ऑपोजिट, कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। यानी सेंसरी नर्व्स जो मैसेजेस लेकर गई थी ब्रेन के पास, अब ब्रेन ने उसको पहचाना और ये फैसला किया कि क्या इसको रिएक्शन देना चाहिए, तो वो अपना रिएक्शन जो होगा वो मोटर नर्व्स के जरिए मसल्स और ग्लैंड्स तक देगा, जिनको मूवमेंट शो करके अपना रिस्पॉन्स शो करता है। कितना है समझ में सबको? तो मोटर नर्व्स ब्रेन से मैसेजेस लेकर जाती हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स तक, और सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? मैसेजेस सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाती हैं। इस तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो ब्रेन के कंट्रोल में रहती है और आपस में ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट कर देती है। इतना है सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? तो चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। योर होमवर्क इज राइट एंड लर्न फाइल क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ यूनिट 3। फाइल क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको जर्नल में, आइए देखते हैं कैसे करना है। जी तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? डेट डालनी है, ठीक है। मार्जिन 9 रो होनी चाहिए सबकी। पेज आपके पास एंड हो गया है तो न्यू पेज पर आ जाइए। ब्लैक से लिखेंगे हम फाइल क्वेश्चन नंबर 4। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसरी नर्व सेल्स एंड मोटर नर्व सेल्स। क्या करना है आपको? सेंसरी नर्व सेल और मोटर नर्व सेल का डिफरेंस बताना है। एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर हेडिंग नहीं है बल्कि आपको कॉलम ड्रॉ करना है। सेंटर में लाइन ड्रॉ कीजिएगा, 2 कॉलम्स आ जाएंगे आपके पास। फर्स्ट कॉलम में ब्लैक से लिखेंगे सेंसरी नर्व सेल्स, सेकेंड में लिखेंगे मोटर नर्व सेल्स, ठीक है। अब दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पर। सेंसरी नर्व सेल्स की क्या है? ब्लू पेन से लिखेंगे, द नर्व सेल्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व सेल्स, ठीक है। और मोटर नर्व सेल्स की डेफिनेशन है, द नर्व सेल्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स आर कॉल्ड मोटर नर्व सेल्स। ये जो इनकी डेफिनेशन है यही इनको डिफ्रेंशिएट कर रही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा काम कैसे करना है और लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।